चरण भगत, आप लोग आ गए? हम तो आ गए, और जिन्हें आना होगा वो आपकी वाणी सुन के आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, तो हम चलें? जी चलिए। देखो रे देखो काना।
गाया। प्रभात फेरी करके आपने सबको प्रसन्न कर दिया। हाँ मेहती, हाँ, देखा नहीं, सारे गांव के लोग हमारे पीछे पीछे स्वर में स्वर मिलाकर चलते रहे। हाँ प्रभु जी, ये सब आपकी भक्ति का प्रभाव है। जय राधे कृष्ण हरि भगत जी। राधे कृष्ण, आपके पहनावों को देखकर ऐसा लगता है कि आप किसी सरकारी ओहदे पर हैं। मैं मनसुख बाबू का चपरासी हूँ और आपके इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा अच्छा, वो पुरुषोत्तम काका के छोटे भाई। और उन्होंने आपको अपने घर बुलाया है। अपने घर बुलाया है, पर किस लिए? अब ये तो वही जाने, उन्होंने मुझे आज्ञा दी कि मुरली जाओ और भगत जी को बुला के लाओ, तो मैं आपको बुलाने आ गया। अच्छा, तो आपको यहाँ बैठना पड़ेगा, मैं इस नाध्यान से निवृत्त हो जाऊँ फिर आपके साथ चलूंगा। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप शाम को आ जाए। नहीं नहीं, शाम को आपको लेने आना होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं आपको लेने आ जाऊंगा। जय राधा कृष्ण। राधे कृष्ण। अरे मुरली इधर आ। जी बड़े बाबू। जी बड़े बाबू, ये सुबह सुबह चोरों की तरह कहां से आ रहा है? आपको इतला देना है बड़े बाबू। क्या इतला देनी है और कहां से आ रहा है तू? नरसी भगत के घर। नरसी भगत के घर? नरसी भगत के घर क्यों गया था? ये तो साहब ही जाने बड़े बाबू। चल चल ठीक है, और सुन, दोबारा उधर मत जाना, समझे? जी समझ गया बड़े बाबू। जी कहां तक पहुंचे? राधे कृष्ण हरि भगत जी। राधे कृष्ण, लगता है मुंशी बाबू आज फिर याद किए हैं। क्यों मुरली साहब? मैं साहब नहीं हूं भगत जी, मैं तो मुंशी बाबू का चपरासी हूं। चपरासी? मुरली बाबू, इंसान सिर्फ इंसान होता है, वो अपने अपने कर्मों से छोटा या बड़ा बनता है। ये पद और ये ओहदा उसके पूर्व जन्म का संकलित कर्म है। जब ये समाप्त होगा तब ये पद और ओहदा भी समाप्त होगा, तब शुरू होता है इंसान के इस जन्म के सुकर्मों का लेखा जोखा। तब या तो दुखी होता है या तो सुखी। मुरली बाबू, नौकरी को ईश्वर की बंदगी समझकर और अपना कर्म मानकर अच्छे ढंग से करना, मानव की खुशामद खोरी कदापि मत करना। जी चलो अब चलें, तुम्हारे मुंशी बाबू तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जी भगत जी चला जा। नहीं आगे आगे तुम चलो, पीछे पीछे मैं चलूंगा। नहीं नहीं भगत जी, आगे आगे आप चलेंगे और आपके पीछे मैं चलूंगा, चलिए। नहीं भाई, जब मैं आगे आगे चलूंगा तो लोग यही समझेंगे कि पीछे से जबरदस्ती हाँक ले गया। और मैं अगर आगे चलूंगा तो लोग समझेंगे गले में फंदा डाल दिया और आराम से उसके पीछे पीछे चला गया। आइए चलिए चलिए। शास्त्रों में नौ भक्ति के बारे में तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये दसवीं भक्ति का भाव कौन सा है? दसवीं भक्ति मैंने लाया। उन सब का विचार ये था कि मैं भजन गाना और लिखना बंद कर दूं। कभी कभी मानो अपने पद और प्रतिष्ठा के मद में चूर होकर अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाता, और जब अच्छे बुरे का विचार नहीं कर पाता तो वो उल्टी सीधी हरकत करने लगता है।